हेलो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, कैसे हो? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। और आप सभी ने थंबनेल भी जरूर देख लिया होगा। तो थंबनेल देखकर आपने समझ लिया होगा ये वीडियो किस लिए है और किन के लिए है। नहीं तो जो लोग भी शॉर्ट्स बनाते हो और परेशान हो, दुखी हो कि व्यूज कमाते हैं, वायरल नहीं होता, तो ये वीडियो दोस्त आपके लिए है। पूरी तरह से तैयार रखना अपने आप को और वीडियो पूरा देखना। अगर तुमने वीडियो स्किप किया, कंट्रोल कंट्रोल उदय मेरे प्यारे दोस्तों, तो यकीन करना तुम फिर से रोओगे और कहोगे कि आपने पूरी तरह से समझाया नहीं, तो ये मेरी गलती नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी धूम धड़ाके की। मेरे इस वीडियो का टॉपिक क्या है दोस्तों? शॉर्ट्स कब यानी किस टाइम पर अपलोड करें। मैंने वो सारी चीजें अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, वही शेयर कर रहा हूं आपके साथ जो मैं पिछले 2 महीने से लगातार करता रहा हूं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वीडियोज वायरल नहीं होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वीडियोस के व्यूज कम आएंगे। आपके दोनों चीजें होंगी, पर आपको वो टाइम से करना होगा। कैसे करना होगा ये सारी डिटेल्स मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो शॉर्ट्स अपलोड करने के पहले ये 5 काम कर लेने हैं दोस्तों। तो रूल 1 क्या है? रूल 1 ये है कि 1 घंटे के अंदर में आपको 5 से 6 वीडियोज डालने हैं शॉर्ट्स के। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है, इससे ज्यादा का मत डालना। कोशिश करना कि सारी वीडियोस आपके 15 सेकंड के अंदर के ही हो, 15 सेकंड के बाहर के ना हो। नंबर 2 जो आपको करना है, दूसरा रूल, वो है हैशटैग्स लगाना। आपको हर वीडियोस में अपने 5 हैशटैग्स लगाने ही लगाने हैं। बाकी आप में से जितने लोग जिस कैटेगरीज में वीडियोस बनाते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, टेक रिलेटेड, स्पोर्ट्स या टीचिंग रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं, उस कैटेगरी का हैशटैग्स आपको लगाना है। पर 5 हैशटैग्स आपको लगाने ही लगाने हैं हर वीडियोस में। वो हैशटैग्स कौन कौन सा है? तो पहला हैशटैग है आपको शॉर्ट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हैशटैग है आपको शॉर्ट। तीसरा हैशटैग आपको है यूट्यूब शॉर्ट्स। चौथा हैशटैग है आपको यूट्यूब शॉर्ट। और 5वां हैशटैग है शॉर्ट वीडियोज। ये 5 हैशटैग्स आपको लगाने ही लगाने हैं। 6ठा हैशटैग आप लगा सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहो तो, वायरल हैशटैग, वायरल। रूल नंबर 3 यानी थर्ड, दोस्तों आपको क्या करना है? वीडियो जब अपलोड करते हो तो अपलोड करने के वक्त सेकंड स्टेप आता है टेक्स्ट लिखने के लिए, स्क्रीन के ऊपर ही। उस टेक्स्ट में आपको कुछ सस्पेंस क्रिएट करके लिखना है ताकि लोग उस पर क्लिक करें, आखिर ये क्या लिखा है। और जो टेक्स्ट में लिखोगे वही टाइटल्स में आपको लिखना है। रूल नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि आपको अनलिस्टेड करके रखना है वीडियोस, बहुत लोग कहते हैं प्राइवेट करके रखना, बाद में आप उसको पब्लिक करना। पर यकीन करो, इन दोनों में से कोई भी मत करना, वीडियो को पब्लिक ही रखना। पब्लिक पे ही हमेशा रहना चाहिए वीडियो आपको, क्योंकि अपलोड करने के बाद कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है उसमें। और अब चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो किस टाइम पर अपलोड करना है। ये टाइम वो है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है। मैं वीडियो अपलोड करता हूं सुबह के टाइम 7 से 8 बजे के बीच में। और यकीन करो, ये 7 to 8 AM का जो समय है सुबह का, सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट्स के लिए। वैसे 3 टाइम है, पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है 7 से 8 बजे सुबह। उठो, 5 से 6 वीडियोज आपको 7 से 8 के बीच में डाल देने हैं, यकीन करना। और 5 से 6 वीडियोज आपको लगातार डालने हैं, ये नहीं कि एक वीडियो डालकर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं, 5 से 6 वीडियोज डालने हैं। फिर इसके बाद टाइम आता है आपको शाम का 6:30 to 7:30, उसमें आप चाहो तो 2 वीडियो अपलोड करो। रात के वक्त आपको 10 से 10:30 के बीच में 2 अपलोड करने हैं।
पर 7 से 8 बजे के बीच में सुबह का टाइम में 5 से 6 वीडियोस डाल देने हैं। यही है गुरु मंत्र वीडियोस को वायरल कराने का, व्यूज बढ़ाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, आपको यकीन नहीं होगा तो मैं बीच में आपको स्लाइड्स करके दिखाऊंगा कि मेरे पॉपुलर वीडियोस की कैटेगरी में कितने वीडियोस पॉपुलर हो रहे हैं और जो मैं बाद में बीच बीच में डालता हूँ वो बिल्कुल नहीं होते। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे करने से ये सही है और ऐसे करने से ये गलत है। तो मैं यकीन करता हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको स्लाइड करके ही सारी चीज़ें दिखा भी रहा हूँ कि ये चीज़ें देख लीजिए आप, ऐसा है। और मैंने इसी तरीके से अपनी वीडियोस को ग्रो किया है, व्यूज़ बढ़ाया है, वायरल करवाया है। और मेरा टाइमिंग भी यही है, मैं बिल्कुल 7 से 8 पंक्चुअल टाइम पे वीडियोस डालता हूँ। बाकी टाइम पे मैं अगर वीडियोस डाल रहा हूँ तो उसके व्यूज़ आप देखो 4, 5, 6, 10, 8 ऐसे हैं। पर उस टाइम का वीडियोस का व्यूज़ आप देख लो, 6 वीडियोस डालता हूँ 2 से 3 वायरल होते ही होते हैं। और यही तरीका है आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने का, यही तरीका है आपका व्यूज़ बढ़ाने का, और इसी तरीके से आपके सब्सक्राइबर गेन होंगे। कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और सब साधे कहते हैं ना कि सब साधने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं सधेगा, सब बेकार हो जाएगा। तो धीरे धीरे करने की कोशिश करो, शॉर्टकट मत अपनाना। शॉर्टकट जीने का तरीका नहीं है ना आगे बढ़ने का तरीका है। आगे बढ़ना है, बिलीव इन लॉन्ग वे, वो तुम्हें हमेशा कुछ देगा। तो मैं यकीन करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियोस पसंद आया होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि लेकर आऊं कि ना आऊं। वैसे मैं डेली अपने ब्लॉग्स डाला करूंगा, छोटा 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, ऐसा। शुक्रिया।